So today let's clear our concept regarding agreement of the subject with the verbs. I mean making subject and verbs agree, right? Yeah. When the subject of a sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and use a plural verb. मतलब जो भी अगर आपके टू सब्जेक्ट्स हैं और वो एंड से कनेक्टेड हैं तो उसमें प्यूलर वर्ब आएगा. जैसे यहाँ पे देखते हैं सी है एंड हर फ्रेंड्स है, इसमें वन सिंगुलर है वन प्यूलर है. अगर यहाँ पे दोनों ही सिंगुलर होते, अगर यहाँ पे होता सी एंड हर फ्रेंड राइट, तो भी यहाँ पे आर ही आता, मतलब प्यूलर वर्ब ही आता है यहाँ पे, राइट. ओके. व्हेन टू के सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय और नॉट यूज सिंगुलर वर्ब. सिंगली द बुक और द पेन इज इन द ड्रॉअर. देखिए अगर यहाँ पे टू ये सब्जेक्ट या नाउंस हैं और से एडेड हैं और दोनों ही सिंगुलर हैं तो सिंगुलर आएगी, राइट. और वैसे अदरवाइज तो इसका जो प्रिंसिपल होता है और नॉर का, ओके ईदर का ना, ओके नीदर का, तो उसमें जो क्लोज होता है वर्ब के पास वाला होता है उसके अकॉर्डिंग आती है, उसके अकॉर्डिंग होता है. जैसे यहाँ पे होता द बुक और द पेन्स, तो ये पेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर होता है. आगे स्टडी करेंगे. When a compound subject, कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब है कि जब उसमें जो है एक सब्जेक्ट में कई पार्ट हो जाते हैं वो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है. कंटेंस बोथ सिंगुलर एंड प्यूलर नाउन और प्रोनाउन ज्वाइन बाय और नॉर द वर्ब शुड एग्री विद द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट इज नियरर द वर्ब. जो मैं अभी बात कर रहा था ये देखिए द बॉय और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये सेकेंड आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो सेकेंड होता है आपका सब्जेक्ट, या फिर ये देखिए वर्ब के नियर में कौन है हिज फ्रेंड्स राइट. अगर यहाँ होता दब तो यहाँ पे रन आया है, प्यूलर वर्ब आया है, इसमें यस नहीं लगा हुआ. द बॉयज और हिज फ्रेंड्स रन एवरी डे राइट. फ्रेंड और द बॉयज runs every day. यहाँ पे जो ये वर्ब आया है द बॉय के अकॉर्डिंग आया है राइट. तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि बेसिकली नीदर नॉर आइदर और ओके या फिर केवल और में जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होता है. हाँ, जबकि अगर हमारा केस एज वेल एज का है, टुगेदर विद का है, विद का है, उसमें दूसरा रूल अप्लाई होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, सो डोंट बी मिसलेड बाय ए फ्रेज दैट कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. इसको समझते हैं क्लियरली ना. द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नॉट विद ए नाउन नॉट प्रोनाउन इन इट्स फ्रेज. देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट है आपका वन ऑफ द बॉक्सेस राइट. ये सब्जेक्ट के पार्ट हो गए, तो इसमें जो है जो वर्ब एग्री हो रही है वो हो रही है ये उसकी फ्रेजल पार्ट से नहीं हो रही, तो यहाँ पे वन से हो रही है ये आपकी ना. वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन, तो ये जो आपकी वर्ब है ये वन पर डिपेंड करती है. द पीपल हु लिसन टू दैट म्यूजिक आर फ्यू, ये आपका जो है द पीपल पे डिपेंड कर रहा है. द टीम कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स इज एंग्सस. देखिए हाँ, मैं बात कर रहा था कि जो एज वेल एज है आपका राइट, इसमें तो आपका जो ओके जो फर्स्ट पार्ट है बिगिनिंग का होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है. द टीम कैप्टन, ये तो पूरा का पूरा वैसे देखा जाए द टीम कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स, ये आपका एक सब्जेक्ट पार्ट होता है जाकर के.
तो उसमें से आपका इस जो मेन है आपका ये द टीम कैप्टन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ हुआ है द बुक। ये देखिए, ये बाकी तो आपने पढ़ा है, आप फ्रेज पढ़े हुए हैं द दिस, ओके, द बुक इंक्लूडिंग ऑल द चैप्टर्स इन द फर्स्ट सेक्शन, ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट है। तो जितने भी अलग पार्ट हैं फ्रेज में, इस पर डिपेंड नहीं कर रही वर्ब, डिपेंडिंग ऑन द बुक, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आपको समझना है, द किंग विद हिज मिनिस्टर्स हो सकता है, तो ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं। द वुमेन विद ऑल द डॉग्स, राइट, तो यहाँ पे टुगेदर भी हो सकता है, विद ऑल द डॉग्स हो सकता है। तो ये आपका जो सब सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ये इसका इंटरलिंक है, वॉक्स। ओके, द वर्ड्स ईच ईच वन, ये आइदर नाइदर, इनको इधर भी पढ़ते हैं आप, नाइदर भी पढ़ते हैं, नीदर भी पढ़ते हैं। एवरी वन, एवरी बडी, एनी बडी, एनी वन, नो बडी, सम बडी, सम वन, नो वन आर सिंगुलर, ये क्या है आपके, सिंगुलर हैं, राइट। ये क्या है आपके, सिंगुलर हैं, राइट। एवरीबडी नोज मिस्टर जॉन्स, तो ये आपका एवरीबडी में के अकॉर्डिंग आपके सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कंसीडर किया जाता है, तो इसमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है इस तरह से, नोज। आइदर इज करेक्ट, ईच ऑफ दीज हॉट डॉग इज जूसी, तो यहाँ पर आपका जो है इज आया है ईच, ईच पर डिपेंड करते हुए। ओके, नाउन सच एज सिविक्स, मैथमेटिक्स, डॉलर्स, मीजल्स एंड न्यूज़ रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, हाँ ये जो है इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, राइट। द न्यूज़ इज़ ऑन एट 6, राइट, इसमें है ना। नोट द वर्ड डॉलर्स इज़ ए स्पेशल केस, व्हेन टॉकिंग अबाउट एन अमाउंट ऑफ मनी इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। तो वैसे अगर हम डॉलर को एक अमाउंट ऑफ मनी में कंसीडर करते हैं, एसेंस होता है, राइट, तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन जब हम इसे केवल डॉलर अपने आप में का सेंस देता है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। $5 इज़ अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पे क्या है, टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, राइट, $5, तो यहाँ पे आपका इज़ आया है अ लॉट ऑफ मनी। जबकि अभी देखेंगे डॉलर्स आर ऑफन यूज इन स्टेट ऑफ रबर्स, अब यहाँ पे अमाउंट नहीं आया, केवल मतलब डॉलर का मेंशन हुआ है, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे प्यूर वर्ब आया है। ओके, जैसे कुछ नाउन्स हैं, जैसे कि आपके सीजर्स, मतलब जो जिनमें पेयर होते हैं, जैसे आपके सीजर्स हो गए, टोंग्स हो गया, ट्वीजर्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, जिनके आपके दो पार्ट हैं, आप देखिए सीयर्स हो गया, तो ये क्या है कि ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, राइट। और इनमें खुद भी जैसे सीजर्स, केवल सीजर यूज़ नहीं होता है, सीजर होगा, ट्राउज़र नहीं होगा, ट्राउजर्स होगा। तो इस तरीके से आप सीजर आप जानते ही हैं, कट करने वाली जो होती है। दिस सीजर्स आर डल, यहाँ पे हम दिस सीजर इज़ डल नहीं कर सकते, या दिस सीजर इज़ नहीं कर सकते हैं। दोज ट्राउजर्स आर मेड ऑफ वूल, इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें हो गई हैं।